बेगमबाग में हिंदुओं की रैली पर पत्थरबाजी में घायल हुए प्रणय शर्मा, संस्कार मेहता, राघव उपाध्याय, युवराज व्यास व करण बैरागी, सागर बैरागी, मालनवासा, तेजनकर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं, जिनका हाल हिंदू सेना के दबंग राष्ट्रीय अध्यक्ष परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने फ्रीगन स्थित तेजनकर हॉस्पिटल पहुंचकर पथराव के दौरान गंभीर रूप से घायलों का हालचाल जाना और कहा कि रैली पर पथराव करने वाले अपराधियों को चिन्हित कर रासुका की कार्यवाही की जाए, साथ ही उन लोगों के मकान ध्वस्त किए जाएं। देखिए, ये तेजनकर हॉस्पिटल है और यहाँ हमारे दो कार्यकर्ता आईसीयू में एडमिट है, जो कि बहुत ही गंभीर है, जिनके सिर में और पीठ पर और हाथ पर भी बहुत ही गंभीर चोट है। अभी हमने देखा तो वो बोलने की भी स्थिति में नहीं थे, लेकिन हमको मालूम है कि लोग सीधे जा रहे थे, बाइक रैली थी, वाहन रैली थी, अपनी बाइक पर ये लोग जा रहे थे और सीधे पथराव उन लोगों ने छत से किया है। तो उन लोगों पे कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे आप? उन पर एक ही मांग है हमारी कि उन पर जो जो लोग पहचान लिए जाए उन पर रासुका लगाई जाए और उस पूरे क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो लोग दोषी पाए जाए उनके सबके मकान तोड़े जाए, एक के नहीं। ऐसा कठिन यानी कठोर संदेश दिया जाए, एक हार्ड मैसेज, जिसके द्वारा भविष्य में ये लोग कभी भी हम हिंदुओं पर इस प्रकार के हमले करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदू कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकते। हमको कमजोर न समझें, हमको उत्तर देने के लिए विवश न करें।